लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी करना है मेरे को, क्योंकि मेरे को 2 मिनट्स में सॉल्व करना है, लेकिन मैं समझा रही हूँ तो ज्यादा मिनट तो मैं लूंगी लूंगी। तो ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज 4 हैज बीन पेड अलोंग विद प्रीमियम, आउट ऑफ दिस 1000 शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप, 3000 हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि री इशू कितने में किया। भैया बोर्ड का बड़ा ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है, मैंने तो अभी एमसीक्यू में लिया है। ये 3 मार्कर क्वेश्चन में भी ये पॉइंट ट्रिकी होता है, कैपिटल रिजर्व के अमाउंट गिवन होती है। चलो मेरे साथ करो, आओ जी। 5000 शेयर्स हमने इशू किए थे और हमें पहले देखना कितना पैसा हमें रिसीव हुआ था। इन्होंने बोला हमें सिर्फ 4 रुपीज मिले थे और हैज बीन पेड ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज 4 हैज बीन पेड अलॉन्ग विद प्रीमियम। एप्लीकेशन मनी है 4 रुपीज, प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, साफ साफ बताया हुआ है एप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज 4 हैज बीन पेड। तो हम तो इसमें साफ साफ बताया था एप्लीकेशन मनी ऑफ रुपीज 4 हैज बीन पेड, तो 5 4 20 20,000 रुपए मेरे पास आए हैं। और ये देखिए जी, ये 20,000 रुपए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में मेरे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर हुए, पहली चीज आपको क्या करनी है कि ये 5000 शेयर से बिलोंग करते हैं, हम सिर्फ 1000 शेयर रीइशू कर रहे हैं। अगर हम 1000 शेयर रीइशू कर रहे हैं तो शेयर जो एक्सपे उनका कितना पैसा है वो चेक करेंगे, 4000 रुपए ही शेयर फॉरफीचर में, इन 1000 शेयर्स के सिर्फ 4000 रुपए ही हैं। 4000 रुपए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में उनके हैं जिनके हमने रीइशू किए, इसमें से ये कह रहे हैं कि 3000 रुपए हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 1000 रुपीज यूज किए होंगे ना एट द टाइम ऑफ रीइशू, और शेयर्स कितने थे ये तो हम कहेंगे रुपीज में वैल्यू है। शेयर्स हमारे इशू हुए 1000 शेयर्स पे हमने 1000 रुपीज ही यूज कर लिए, तो इसका मतलब 1 रुपी पर शेयर हमने यूज किया। 10 रुपए वाला शेयर था, 1 रुपीज हमने शेयर फॉर फीचर से उठा लिए क्योंकि वो लॉस कवरेज के लिए। तो बेसिकली हमने कितने में रीइशू किया होगा, 9 रुपीज में हमने रीइशू किया होगा, वो आपसे बेसिकली पूछा है, ये आपका क्वेश्चन है।